तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं इस फॉर्मूला में नेस्टेड इफ के बारे में। जी हाँ, कुछ नेस्टेड इफ, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह हम आपके साथ करेंगे और ये हमारी लास्ट क्लास है इफ की, उसके बाद हम आपके साथ टेस्ट शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो श्रीनाथ जी, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है ना? अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि मेरे पास ए स्कोर है, मतलब कि किसी टेस्ट का मान लीजिए स्कोर है, मुझे इस पे रिजल्ट देना है। तो रिजल्ट में हमें देना है ग्रेड। तो जैसे कि यहां अगर 0 to 40 है तो इसको देना है सी ग्रेड, 41 to मान लीजिए 60 है उसको देना है बी ग्रेड, और 60 to 90 है उसको देना है ए ग्रेड, और ग्रेटर देन 90 को देना है ए प्लस। तो चलिए कैसे करेंगे, तो यहां पे हम देंगे फॉर्मूला जस्ट जैसे कि कल मैंने आपको ऑल का फॉर्मूला बताया था उसी तरीके से। इफ, क्योंकि इसमें देखिए हर नंबर के लिए कुछ ना कुछ है, जितने भी नंबर है सारे नंबर के लिए कुछ ना कुछ है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, तो यहां दूंगा मैं कि इफ हमने सिलेक्ट किया A1 को लेस देन इक्वल टू 40, लेस देन इक्वल टू 40, अगर A2 40 से छोटा या बराबर है, A2 40 से छोटा या बराबर है तो यहां पे आ जाए C, फिर कॉमा, अगेन हमने यहां पे दिया इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हमने बोला कि अगर ये 60 के छोटा या है, छोटा या बराबर है तो इसमें आ जाए बी। अगेन हम इफ देते हैं और इसमें बोलते हैं कि A2 लेस देन इक्वल टू 90 है तो ए ग्रेड, फिर अगेन इसमें इफ देंगे और बोलेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 90 है तो रिजल्ट आए ए प्लस। दिख रहा है सर आपको? तो वन बाय देखिए, मैंने सबसे पहले वन बाय वन चलेगा और दूसरा इफ तभी चलेगा जब पहला इफ फॉल्स होगा, मतलब कि अगर A2 अगर 40 के बराबर नहीं होगा तो फिर वो दूसरे इसको को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज सी रिजल्ट देके बाकी सारे इसको इग्नोर कर देगा। दूसरा इस तभी चलेगा जब दूसरा इस तभी चलेगा जब पहला इस फुलफिल होगा, देन सेम तीसरा इस तब चलेगा जब दूसरा इस फुलफिल नहीं होगा, मतलब A2 अगर 60 से छोटा नहीं है तो वो क्या करेगा, फिर वो तीसरे इसको फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो यहीं पे बी रिटर्न करेगा और बाकी सबको इग्नोर कर देगा। मतलब कि हर दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स वाले पार्ट में, समझ में आया आप लोगों को सर? यस सर। जी सर, किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। अभी एंटर मार के देखें रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि जब हमने ब्रैकेट तो ओपन कर लिया बट हमने ब्रैकेट को क्लोज तो नहीं किया सर, तो ब्रैकेट कितने, जितने इफ लगे हैं जितने ब्रैकेट ओपन हुआ है उतने ब्रैकेट क्लोज होगा, इसकी कोई जरूरत इसमें नहीं है। अब यहाँ पे यस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक देखिए 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट है, ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देगा और रिजल्ट आपके सामने। समझ गए आप लोग?
किसी को डाउट इसमें? नहीं नो सर। ये हरेक में सर ऐसे ब्रैकेट अगर ना डाले लास्ट में तो यस ये अपने आप आया ब्रैकेट। जी हाँ। अब इसी मान लीजिए कि इसी इसी सिस्टम से हम चलते हैं दूसरे शीट में। अब इस बार जो है मान लीजिए कि हमारा स्कोर नहीं है, हमारा क्या है इंसेंटिव, यहाँ ए हमारा सेल्स फिगर हो गया, मुझे यहाँ इंसेंटिव लॉन्च करना है, ठीक है। तो इसमें पहला इंसेंटिव है कि 80-90 के बीच में हो तो यहाँ पे 500 होना चाहिए। तो इस चीज के लिए तो आप यहाँ पे इफ इसके साथ एंड भी लगा सकते हैं, एंड और दे सकते हैं कि अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है और कॉमा इसको सिलेक्ट कर लीजिए, अगर लेस देन इक्वल टू ए 90 ऐसा है तो 500 अदरवाइज जीरो कर सकते हैं आप, ठीक है आ गया। लेकिन मेरे पास स्लैब है, स्लैब में क्या है कि 0-40 हुआ तो 500, 41-80 हुआ तो मान लीजिए 1000, 81-100 हुआ तो 2000 और ग्रेटर देन 100 है तो 5000। तो सेम जैसे मैंने यहां लगाया है ना सेम चीज यहां लगेगा। देखिए सिंपल सा कि इफ हमने इसको सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 40 तो 500, अगेन इफ हमने दिया और बोला लेस देन इक्वल टू 80 तो आ जाए 1000, अगेन इफ दिया इसको सेलेक्ट किया बोला लेस देन इक्वल टू 2000, सॉरी लेस देन इक्वल टू क्या होगा 100, तो 2000 अदरवाइज 500 डाल दिया सर। और लास्ट में ब्रैकेट हम क्लोज नहीं करते हैं, एंटर मारते हैं यहां से और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को? यस सर। जी सर। विदाउट इसमें सिंपल है। सर एक क्वेश्चन है। सर जैसे कि नेस्टेड इफ यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हम लोग मतलब एंड या और का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम बताते हैं कि यहाँ पे आप बोलते हैं 5 से कि 5 से 5-40 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इसका आगे इफ कंडीशन लगा देते हैं कि इफ ए टू अगर लेस देन इक्वल टू लेस देन 5 हो तो यहां पे 0 शो करे, ठीक है सर। एक कंडीशन हमने ऐड कर दिया तो बेसिकली एक कंटिन्यूअस होता है, एक क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। अब चलिए आपको हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सिखाते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना। अब बाकी जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, आपका जो ये है जो ग्रॉस होता है, ग्रॉस का जो रिडक्शन होता है और रिडक्शन सब करके आपने नेट इनकम निकाल लिया। जैसे मान लीजिए आपने नेट इनकम निकाला है 5,60,000 रुपए, ठीक है। तो स्लैब क्या कहता है? स्लैब कहता है 0-3 लाख पे हम नल निल मतलब कुछ नहीं लेंगे। 3-5 लाख अगर करते हैं, 3-5 लाख है तो हम क्या है 10% है, यही ना सर। 5-10 लाख है तो क्या है 20% है, और 10 यहां पे ग्रेटर देन 10 लाख है तो 30% है। अभी का स्लैब यही चल रहा है ना सर?
सर। अब मुझे यहाँ पे मेरा टैक्स निकालना है कि कितना टैक्स हुआ। अब यहाँ पे ध्यान में जो बात है कि ऐसा नहीं है कि मैं इसका लूंगा और इसका सीधे 20% निकाल दूंगा, ये सही होगा गलत होगा ना? आप बोलेंगे सर 5,07,000 है, मतलब कि इस स्लैब में आ रहा है तो 20% निकालिए। 2,60,000 का होगा 20%। ये गलत होगा, क्यों? इसको टुकड़ों में निकालना होगा, मतलब कि पहले जीरो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 3 to 5 लाख है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसका 10% निकलेगा। उसके बाद फिर क्या है, 1,60,000 है, 60,000 है, माफ कीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7,000 है, इसका 20% निकलेगा। तो इस टैक्सेबल अमाउंट क्या हो गया, 32,000 हो गया ना सर, समझ रहा है कि नहीं सर? हेलो, हाँ जी सर, डाउट शुरू में 2,00,000-3,00,000 उसमें से माइनस कर दिया जाए और बाकी जो बचे उसका 10% 20% ऐसे। तो फिर दिक्कत है ना सर, 3,00,000-3,00,000 माइनस कर देंगे तो फिर 60,000 का 20% होना चाहिए ना। स्लैब में स्लैब जो होता है वो माइनस करके नहीं होता है, 3,00,000 तक जीरो है, बट 5,00,000 होता है तो 2,00,000 का आपको 10% देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 6,00,000 किया तो 2,00,000 का 3,00,000 का कुछ नहीं लगेगा, 2,00,000 का 10% लगेगा और 1,00,000 का 20% लगेगा। करेक्ट, ये है एसीएमसी में यहाँ निकाला ना सर। तो इसको एक सेल में एस की मदद से कैसे निकालेंगे बताता हूँ। चलिए हम इस कंडीशन देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे कि अगर ए लेस देन इक्वल टू वा 3,00,000, 1,00,000, 10,000, 10,000 लाख, तो यहां आ जाए जीरो, ठीक है। फिर अगेन कंडीशन होगा इफ, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे अगर ए लेस देन इक्वल टू हो गया 5,00,000, 5,00,000, 10,000 लाख, तो क्या हो, तो इस अमाउंट में से जो अमाउंट है इस अमाउंट में से, इस में से माइनस हो 3,00,000, 5,00,000, 10,000 और फिर उसका निकले 10%। फिर यहां पे अगला कंडीशन होगा, नहीं सर, सर ये तो पूरा अपने 2,60,000 का 10% हो गया ये। नहीं सर, यहाँ कंडीशन क्या है, बिलो 5,00,000, अगर 5,00,000 से होगा तब ये कैलकुलेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, समझे? अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और बोलता हूँ कि अगर ए लेस देन इक्वल टू है 3,00,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000, तो क्या करें, तो सबसे पहले इसमें आएगा जीरो प्लस यहां आएगा 2,00,000 का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख का 10%, 10% प्लस, फिर इसमें से माइनस होगा कितना 5,00,000, 3,00,000 हो गया, 2,00,000 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और उसका निकलेगा 20%। अब समझ में आया सर? हर स्लैब में ये फॉर्मूला लग रहा है क्या? देखिए ये क्या करेगा बताता हूँ आपको, ये देखेगा कि अगर 3,00,000 से जीरो है तो कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, जीरो दे देगा। अगर ये देखेगा 5,00,000 से नीचे है, मतलब कि इसने सिर्फ एक स्लैब को पार किया है, तो 3,00,000 माइनस करेगा, जो बचेगा उसका 10% दे देगा और यहीं पे काम खत्म कर देगा। फिर अगर नहीं 5,00,000 से ऊपर है, मतलब चेक करिए क्या है, 10,00,000 से ऊपर है, अगर 10,00,000 के नीचे है, 10,00,000 के नीचे है तो पहले जीरो देगा, फिर वो 2,00,000 का 10% देगा, फिर 5,00,000 का 20% देगा। तो जीरो लगाना जरूरी नहीं है, बट ऐसे समझने के लिए मैंने लगा दिया, ठीक है?
सर जैसे जीरो है 3 लाख के बाद जीरो जो है हाँ? ये मतलब डबल कोट नहीं, ये कॉमा है सर, कॉमा। अब यहां पे आगा कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,000 लाख 10 लाख है तो ए जो कंडीशन जो चल रहा है ये तो चलेगा ही चलेगा ना, ए कंडीशन चलेगा। हेलो हाँ पूछिए। ट्वेंटी परसेंट फिर प्लस इसमें से माइनस होगा, हाँ प्लस इसमें से माइनस हुआ 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। बोलिए ना, सुन रहा हूँ सर। हेलो हाँ बोलिए सर, सुन रहा हूँ मैं। हेलो संजय जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? संजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी वो बोल रहा है डेल वाला। हेलो किसी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, कैप्टन गांधी को आवाज आ रही है। हेलो किसको आवाज नहीं आ रही मेरी? कुलदीप जी को। इसको एंटरप्रेस करते हैं। अब यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ इसको ब्रैकेट क्लोज नहीं करते ना। अरे देखिए यहां पे दिक्कत हो गई, हमने कुछ ब्रैकेट एक्स्ट्रा क्लोज कर दिए। ओके यहाँ 3 ब्रैकेट होती है ओपन हुआ है। सर जी हाँ बोलिए। ये जो हमने फिगर्स जैसे आपने ये फिगर्स लिखे हैं ठीक है, 3 लाख 5 लाख 3 लाख × 10% वगैरह, तो इसकी जगह पर ठीक है ये सारे फिगर्स लिखने की जगह पर हम ये जो ऑलरेडी आपने लिखे हुए फिगर्स है जैसे आपने स्टार्टिंग में लिखे थे वो 3 लाख 5 लाख 10% 20% तो डायरेक्टली उस सेल को अगर हम सिलेक्ट कर ले तो ज्यादा बेटर। हाँ तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन लास्ट वाला तो मैंने करना पड़ेगा जो माइनस करके जो हमने किया है, ये तो फिक्स नहीं होता है ना, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है हर बार हम उसको काउंटिंग करके लिख रहे हैं। तो सर ये फार्मूला लगाने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है सर, क्योंकि वही हो रहा है अगर हम सेल टू सेल इसको अगर कैलकुलेट करें तो ज्यादा इजी हो जाएगा आई थिंक सो। सेल टू सेल ठीक है, आप ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको तोड़ दीजिए ना, आपको तोड़ना सिखाया था ना मैंने। नहीं नहीं सर, अलग-अलग से लगाइए फिर कॉपी पेस्ट करके मर्ज कर लीजिए। नहीं सर वो आप जो आप बता रहे हो एकदम परफेक्ट है जो ये है, मैं सिर्फ इसकी टाइपिंग जो टाइपिंग का जो चीज़ उसके लिए आपको फिर यहाँ पे रखना पड़ जाएगा ना सर एरिया। हाँ मुझे ये हेडिंग में ऊपर कहीं रखना पड़ेगा उसको। हाँ तो क्यों रखेंगे, हम इसे अंदर ही डाल देते हैं। तो फॉर्मूला 1 by 1 लगाइए, ऐसा तो नहीं एक बार मैं क्या नहीं सारा एक बार में लिख दिया हूँ, नहीं 1 by 1 दिया हूँ ना सर। देखिए कैसे होगा सर, आप क्या करेंगे इफ आपने इसको सिलेक्ट किया बोला लेस देन इक्वल टू 5,5,10,000 लाख वो तो जीरो हो जाए। सर ये जीरो डबल कोट में नहीं आएगा क्या? क्या तुम डबल कोट में जीरो सर डबल कोट पे कौन जीरो डबल जीरो तो नंबर है ना। अच्छा डबल कोट पे टेक्स्ट आता है ना सर, जीरो क्यों आएगा? अच्छा सर अगेन इफ लगाइए फिर चेक कीजिए तो 1 by 1 चलिए समझ गए ना। अब यहां पे लगाइए इसको, इसको सिलेक्ट कीजिए अगर ये लेस देन इक्वल टू 5 लाख है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख तो इसमें इसका जो है मुझे इसमें से माइनस 2 लाख करना है 3 लाख सॉरी 3 लाख करना है और उसका मल्टीप्लाई बाय 10% करना है ब्रैकेट। एक कैलकुलेशन खत्म हो गया, एंटर मार दीजिए, रिजल्ट देख दीजिए, फिर अगली कैलकुलेशन कीजिए इसके बाद में 1 by 1।
समझे, तो इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है सर, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कल हम इस पे आपके साथ टेस्ट डिस्कस करेंगे। टेस्ट क्या सर? सर इस कंडीशन के टेस्ट परीक्षा लेंगे। जी हाँ, आपकी परीक्षा इम्तिहान केवल इस पे, इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर। सर इस पे एक सवाल था, एक पहले डबल आई एफ वाला फॉर्मूला भी होता था सर, अभी भी होता है, लेकिन वो ऑफिस 365 में होता है, वो बताऊंगा मैं। अच्छा, लेकिन पहले एक नॉर्मल इफ तो समझिए, सिंगल इफ तो समझ जाइए, फिर डबल इफ की बात करेंगे। ओके बाय।